हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टाफ नर्स नई वैकेंसी, आपके लिए शानदार वैकेंसी होने वाली है। उसके लिए यहाँ पर बताएंगे किस तरह से उसमें पोस्ट है, क्या सैलरी है, किस तरह से जो पूरा क्राइटेरिया है वो हम आपको बताएंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, हर एक वैकेंसी का अपडेट आपको यहाँ से मिलता है। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलते हैं हम आपको रिप्लाई दे देते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, यहाँ पर जो भी है नई स्टाफ नर्स की वैकेंसी है आई हैं और आती भी रहती हैं जो वैकेंसी, उनके रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। लेकिन आज एक और नई भर्ती के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये प्लेटिनियम की तरफ से यहाँ पर ये वैकेंसी है, देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी। प्लेटिनियम जो है हॉस्पिटल स्टाफ नर्स है और बम्बई की तरफ से वैकेंसी रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो सभी को इसका पूरा डिटेल में बताएंगे, डिपार्टमेंट की डिटेल देख सकते हो आप। प्लेटिनियम हॉस्पिटल जो भी है यहाँ पर बम्बई की तरफ से ये स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। और यहाँ पर पोस्ट का नाम यहाँ पर पोस्ट डिटेल की अगर बात करते हैं तो ये स्टाफ नर्स की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात की जाए यहां पर, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहां पर देख सकते हो 215 वैकेंसीज इसमें आपकी निकाली गई है। एज लिमिट की अगर बात करें इसमें, तो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया दे रखा है वो दे रखा है 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक के, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन रिलीज डेट है, जो नोटिफिकेशन की जो रिलीज डेट है वो है आपकी 3 अक्टूबर 2024, यानी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है आपका, आप अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी रहना, ठीक है ना। और जो है आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट, आपके फिलहाल एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपके 3 अक्टूबर से चल रहे हैं, ठीक है ना, 3 अक्टूबर से। और लास्ट डेट देख सकते हो आप, क्लोजिंग जो डेट है वो है आपकी 30 अक्टूबर 2024। तो 30 अक्टूबर तक ये आपके फॉर्म चलेंगे। अभी आज मतलब 7 तारीख हो चुकी है, तो अभी आपके पास में 23-24 दिन का समय है। आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर अपना जो भी है यहाँ पर करवा सकते हो, अगर आप इसमें जो भी अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। हियरिंग प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो इसमें जो भी है, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पर इंटरव्यूज आपका जो है होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन, इसमें ऑनलाइन माध्यम से आपके एप्लीकेशन भरे जाएंगे। जॉब की लोकेशन की अगर बात की जाए तो आपको बम्बई में जॉब इसमें दी जाएगी, बम्बई के अंदर आपको जॉब करने का मौका मिलेगा, कंट्री इंडिया, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको बता दिया कि जो भी है इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू की महत्व जो भी है यहाँ पर, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे। और आपको अगर जो भी है, अगर ये वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये दे हुआ है, और वैसे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट आप खोल सकते हो, ठीक है ना। प्लेटिनियम हॉस्पिटल .in करके इसका जो भी है यहाँ पर आ जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाकर इसको देख सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट का नेम, स्टाफ नर्स। अब यहाँ पर एजुकेशन की अगर बात की जाए तो एजुकेशन बीएससी नर्सिंग, ठीक है ना, जीएनएम नर्सिंग, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से रिकॉग्नाइज्ड जो आपकी है इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी होना चाहिए, आप जिस भी राज्य के हो, जैसे कि राजस्थान के हो तो राजस्थान का RNC का नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। MP से हो तो MPPN RCT का जो भी आपका, आपके पास में मध्य प्रदेश का जो भी है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप यूपी से हो तो यूपी का होना चाहिए, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का आपका होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर पोस्ट 215 है, 0 से लेकर 1 यहाँ पर 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस भी इसमें मांग रखा है, देख सकते हो आप, एक्सपीरियंस भी है इसमें। अब यहाँ पर पोस्ट और सैलरी की अगर बात करते हैं, तो सैलरी की अगर बात करते हैं तो 25,000 से लेकर 35,000 सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म अभी चल रहे हैं, फॉर्म की जो है क्लोजिंग डेट है 30 तारीख, इंटरव्यू आपका जो भी है, रिजल्ट वगैरह सब आपको अभी बता दिया जाएगा जैसे ही आप फॉर्म भर दोगे। और यहाँ पर फीस आपकी कुछ भी फीस नहीं है, स्टाफ नर्स की फॉर्म फीस की अगर बात करें, जनरल OBC की कुछ फीस नहीं है, ना ही ST SC कैटेगरी वालों की फीस है। तो इस तरह से सारा का सारा जो क्राइटेरिया है वो हमने आपको बताया। तो सभी विद्यार्थी फॉर्म एक बार अप्लाई जरूर करें, काफ़ी शानदार जो भर्ती है वो है। तो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी है आपको, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, 215 पोस्ट हैं। और यहाँ पर फिर बता रहे हैं प्लेटिनियम जो भी है हॉस्पिटल बम्बई की तरफ से निकाली गई है, जो डिपार्टमेंट है काफ़ी बड़ी ब्रांच है, वहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। तो आप सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर देना, बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलती है हम आपको रिप्लाई दे देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।